हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आइए हम मटन आलू बनाने चल रहे हैं सिंपल तरीके से। आधा किलो से ज़्यादा प्याज काट लिया है फ़ोरन में, तेज़पत्ता, जीरा और लाल मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट, मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और गोल मिर्च पाउडर। 1 kg मैंने मीट लिया है। तसली में मैंने तेल डाल दिया, तेल गर्म हो जाएगी तब मैं उसमें फ़ोरन डालूँगी, जीरा, तेज़पत्ता और लाल मिर्च। ये सब अच्छे से पक जाएगा तो मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। सारा प्याज इसमें डाल के हल्का चला दूंगी और थोड़ा सा चला दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का जो मैंने क्रश किया वो डाल दूंगी। इसको भी थोड़ा सा चला देंगे। मैं आलू और मटन बनाने जा रही हूँ। अब इसमें जो मीट लिया है 1 kg वो डाल देंगे। आप एक साथ भी सारा सामान डाल के आप बना सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गोल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको ढक दूँगी। ढक के मैं अब इसको फ्राई करूँगी। देखिए ढकने के बाद किस तरह पानी, ये प्याज का पानी निकल गया। इसको इसी तरह ढक ढक के बनाएं, बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है। पानी पहले ऐड नहीं करें, पानी जब अच्छे से फ्राई हो जाएगी उसके बाद ऐड करें। ग्रेवी वाला मीट बनाना हो तो ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी। अब इसमें मैं आलू ऐड करके इसको अच्छे से मिला के रख दूँगी। इसे फ्राई होने देते हैं, ढक देते हैं इसको। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इसी तरह चलाते रहेंगे। कितना टेस्टी लगती है खाने में, चावल के साथ रोटी, पुलाव, चूड़ा, ये सब के साथ आप खाएं, मुंह में तो पानी आ जाएगी आपको देखते ही। इस तरीके से एक बार आप बना कर देखें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग पे पहले पहुँचे। बहुत ही टेस्टी और यम्मी डिश है ये। इसको इसी तरह चलाते रहेंगे। अब ये थोड़ी देर में बनके तैयार हो जाएगी। अच्छे से फ्राई हो गया हुआ है, क्या पूरा ग्रेवी इसमें का सूख गया। इसको भी मैं थोड़ा सा ढक दूँगी। है ना इजी, बहुत इजी है। अब मटन भी अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन आलू मटन एक बार बनाकर खाकर देखें। अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे ग्रेवी वाला मटन बनाना है इसलिए मैं इसमें हल्का सा पानी ऐड करूंगी।
इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस अब थोड़ी देर में मटन बन के रेडी हो जाएगी। अब इसको भी ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए मटन बन के तैयार हो चुका है। इसको ऐसे इस तरीके से चला देंगे। अब गैस को मैं ऑफ कर दे रही हूँ। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मैं शॉप करूँगी। आप लोग के मुंह में पानी आ रही है ना, इस तरीके से एक बार बना कर देखें। बहुत ही खाने में तो मज़ेदार ही लगेगी ही, बनाने में भी बहुत आसान है। बारिश के मौसम में ये सब खाने में बहुत ही मज़ा आता है और खाने का भी इच्छा करता है। Thank you.